पहली लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। '57 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। ये चुनाव भी कई मायनों में खास थे। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे थे। इन चुनाव में कांग्रेस ने कुल 494 सीटों में से 371 पर जीत हासिल की थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में 24 फरवरी से 9 जून तक यानी करीब 3.5 महीने तक चला। पहले आम चुनाव में सीटों की कुल संख्या 489 थी, जो दूसरे आम चुनाव में बढ़कर 494 हो गई थी। कुल रजिस्टर्ड वोटरों में 45.44% मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में चार बड़ी पार्टियों ने मुख्य रूप से चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। अगर सीटों का बंटवारा देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 371 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 27 सीटें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 19 और भारतीय जनसंघ 4 सीटें जीत कर आई। इसके अलावा कई राज्यों में अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सिर्फ 403 सीटों पर इस चुनाव में 494 सांसद चुने गए थे, क्योंकि 91 सीटें ऐसी थी जिन पर दो सांसद थे, एक सामान्य वर्ग से और दूसरा ST/ST समुदाय से। हालांकि इसके बाद एक संसदीय क्षेत्र से दो सांसद चुने जाने की यह प्रथा खत्म कर दी गई थी। इस चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी खूब देखने को मिली।